अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। मैं हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अबीर फ्रॉम ओरिफ्लेम पाकिस्तान। आज मैं आपके साथ हमारे जर्दानी गोल्ड असेंजा बॉडी स्प्रे के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। ये है क्या, इसका रिव्यू बताऊँगी और इसके फ्रेग्रेंस के बारे में आइडिया दूँगी, क्योंकि हम वैसे वीडियो के थ्रू आपको फ्रेग्रेंस जो है वो स्मेल तो नहीं करवा सकते, लेकिन मैं आपको काफ़ी हद तक आइडिया दे दूंगी कि इसकी स्मेल है कैसी। इसके इंग्रेडिएंट भी जो है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेंजा बॉडी स्प्रे की, कि हमारा पाकिस्तान में अभी तक मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम है जर्दानी गोल्ड असेंजा परफ्यूम, ये उसका बॉडी स्प्रे है और ये इतना ज़बरदस्त है। ये 75 ml है, ठीक है, और ये इसकी पैकेजिंग है। और ये जो लोग जर्दानी गोल्ड परफ्यूम एसेंजा परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको फ्रेगरेंस जो है वो चाहिए, वो मतलब कि उसको वो फ्रेगरेंस वो लाइक करते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये उनके लिए ये कह लें कि स्पेशल ऑफ़र है कि आपके पास ये इसका बॉडी स्प्रे भी जो है वो अब अवेलेबल है। क्योंकि ऐसी तो मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि इसका जो है ये बॉडी स्प्रे आ गया, क्योंकि मुझे खुद जो है इसकी फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है, बहुत पसंद है, और उसकी फ्रेग्रेंस वाकई बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो ये तो मैंने दो अपने लिए मंगवाए हैं। बॉडी स्प्रे में परफ्यूम में 19-20 का ही फ़र्क होता है कि जैसे इसको हमने बॉडी पे लगाना है, उस परफ्यूम को भी हम वो भी बॉडी ही परफ्यूम होता है, लेकिन ये है कि वो ज़रा थोड़ा सा कह लें कि ज़्यादा देर निकाल जाता है, कि जो आपके कपड़ों में से जो है वो 5 से 6 दिन जो है उसकी परफ्यूम की खुशबू जो है वो नहीं जाती। इसकी ये है कि आपको रिचार्ज करना पड़ता है, मतलब कि ये इसका फ़र्क है, लेकिन स्मेल जो है इसकी एक जैसी है और बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने ये बॉडी स्प्रे लगाया हो या परफ्यूम लगाया हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने इस वक्त बॉडी स्प्रे लगाया हुआ या परफ्यूम लगाया हुआ, यानी कि फ्रेगरेंस में या स्मेल में बिल्कुल भी किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं है। हाँ, ज़रा लॉन्ग लास्टिंग जो है वो परफ्यूम है, और ये कह लें कि ये ज़रा थोड़ा सा जल्दी जो है वैनिश हो जाता है। तो अब मैं इसकी इंग्रेडिएंट की बात करती हूँ। इसमें जो है वो तीन जो मेन इसके इंग्रेडिएंट है जिससे इसकी खुशबू बनाई गई है। पहले नंबर पे तो है टास्केन वुड। टास्केन वुड क्या है, आप इसको कह लें कि ये साइंटिफिक वुड कह लें या आप आसान लफ्ज़ों में इसको इंजीनियरिंग वुड कह लें। ये रियल वुड से ही बनाई जाती है, रियल वुड से एक नई वुड बनाई जाती है, मतलब कि साइंटिफिक वुड कह लें। इसमें उसकी फ्रेग्रेंस है उस वुड से नॉर्मली जो है ये बनाए जाते हैं, फर्श वगैरह जो है बनाए जाते हैं, ज़्यादातर यूरोप में ऐसा होता है, यूरोप में ज़्यादा जो है एंड यूएसए में अमेरिका वगैरह में जो है वो ये यूज़ होते हैं। लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस जो है इसकी फ्रेग्रेंस में वो एक टास्केन वुड, दूसरे नंबर पे इसमें ऑरेंज ब्लॉसम जो है वो शामिल है। ऑरेंज ब्लॉसम जो है अगर किसी ने इसको स्मेल किया हो तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो जैस्मिन से मिलती है, ऑरेंज ब्लॉसम की। अगर आपने जैस्मिन फ्रेग्रेंस को स्मेल किया हुआ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या है। अब तीसरे नंबर पे इसमें जो शामिल है वो है हमारा एक सिट्रस फ्रूट ही है, उसको हम कहते हैं क्लैबरियन बगमैट। क्लैबरियन बगमैट एक सिट्रस फ्रूट है, इसकी कह लें कि जो सिट्रस फ्रूट के बारे में आप कह लें कि जैसे माल्टा वगैरह नहीं होता, जो एक ग्रीन कलर का माल्टा होता है उसी तरह की एक नई है। ये ज़्यादातर बाहर के मुल्कों में, मतलब कि पाकिस्तान में इतना अवेलेबल नहीं है ये। ज़्यादातर जो है ये अब कह लें कि ये यूरोप में ही जो है ये पाया जाता है ये फ्रूट। तो उसकी फ्रेग्रेंस और ये तीनों, यानी कि इसकी फ्रेग्रेंस में ये मेन तीन इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल है। परफ्यूम भी है, मतलब कि आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी है, लेकिन ये तीन मेन इंग्रेडिएंट जो है इसमें शामिल है। सो इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी है कि सभी को ऑलमोस्ट पसंद आ जाएगी। लाइट कैटेगरी में है, ठीक है, और बिल्कुल धीमी भी नहीं है इसकी फ्रेग्रेंस, नॉर्मल है ना, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है इसकी फ्रेग्रेंस, ठीक है। वरना होती है ना कि जो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, कुछ लोगों को शार्प लगाना पसंद होता है, क्योंकि शार्प फ्रेग्रेंस नॉर्मली जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और वो ज़रा लॉन्ग टर्म जो है वो चलती है। लेकिन इसकी लाइट है,
लाइट फ्रेग्रेंस के होने के बावजूद ये आपकी काफ़ी देर जो है ये आपके कपड़ों से और आपकी बॉडी पे इसकी खुशबू रहेगी। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं और ये परफ्यूम ही ऐसा है, इसको बनाया ही ये गया है कि आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रहे और एक यूनिक सी फ्रेग्रेंस है। आपको ऐसी फ्रेग्रेंस जो है ये मिलेगी भी नहीं, अनकॉमन सी फ्रेग्रेंस है इसकी। अभी हमारे मार्च के ये ऑफर में है, आप इसको मस्ट बाय करें। बाय करने के साथ मेरे साथ अपना रिव्यू भी लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।